मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ द क्लास फोर्थ एंड चैप्टर सेकेंड। चैप्टर का नाम है नेशनल सिंबल्स, यानी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द सिंबल्स विच टेल्स अस अबाउट द आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड कल्चर ऑफ आवर कंट्री आर आवर नेशनल सिंबल्स। वो चिन्ह जो हमारे जो देश है उसकी आइडेंटिटी, पहचान, वैल्यूज़ का मतलब होता है मूल्य, और कल्चर मतलब संस्कृति के बारे में बताते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कहलाते हैं। आवर नेशनल फ्लैग, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय झंडा, नेशनल एम्बल राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एंथम हमारा राष्ट्रीय गान, नेशनल एनिमल हमारे जो राष्ट्रीय पशु हैं, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर, नेशनल मतलब राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल आर द सिंबल ऑफ आवर इंडिपेंडेंस एंड यूनिटी। ये किस चीज़ के सिंबल है? हमारी स्वतंत्रता और एकता के। दिस सिंबल आर इंट्रिंसिक टू द इंडियन आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। ये हमारी जो इंडिया है उसकी धरोहर है और उसकी पहचान है। अब हम पढ़ेंगे नेशनल फ्लैग के बारे में। ठीक है, नेशनल फ्लैग क्या होता है, कैसे उसको कैरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आवर नेशनल फ्लैग इज़ द ट्री कलर। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। इट हैज़ थ्री इक्वल बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसकी तीन बराबर बराबर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, तीन इक्वल पट्टियाँ होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं। इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, और ये किस आकार की होती है? आयताकार, ऐसे आकार की होती है। ठीक है, द टॉप मोस्ट बैंड इज सैफ्रॉन। जो इसका जो टॉप बैंड होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है वो सैफ्रॉन कलर की होती है। इट स्टैंड फॉर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस। ये किस चीज़ का प्रतीक है? बहादुर और त्याग का। द बैंड इज द मिडल इज वाइट, और जो बीच की पट्टी होती है वो वाइट कलर की होती है। इट स्टैंड फॉर प्योरिटी, और किस चीज़ का प्रतीक है? शुद्धता का। द बैंड इन द बॉटम इज ग्रीन, जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है वो ग्रीन कलर की होती है। इट स्टैंड फॉर प्रोस्पैरिटी एंड लाइफ, और यह समृद्धि और जीवन का प्रतीक है। दिस इज देयर इज अ नेवी ब्लू चक्र इन द मिडल ऑफ द वाइट बैंड। आप यहाँ पर देख रहे हो जो वाइट बैंड होती है, वाइट पट्टी, उसके बीच में एक नेवी ब्लू कलर का चक्र होता है। ठीक है, इट हैज़ 24 स्पोक्स, और ये जो यहाँ पर चक्र है इसमें जो आपको तिल्लियाँ दिख रही है वो 24 होती हैं। टू शो 24 आवर ऑफ द डे, और ये एक दिन के 24 घंटे को दर्शाती हैं। द व्हील स्टैंड फॉर चेंज और प्रोग्रेस, और ये किस चीज़ का प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। जैसे आप गाड़ी का पहिया देखते हो, जब गाड़ी का पहिया ऐसे आगे की तरफ चलता है तो वो कार आगे बढ़ती है, ऐसे ही इस चक्र का मतलब है कि हमारा जो देश है वो प्रगति कर रहा है और परिवर्तनशील है, यानी हमेशा परिवर्तन करता है और आगे बढ़ता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग इन फॉलोइंग वेज। हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, इनको फॉलोज करते हुए। ठीक है, द सैफ्रॉन बैंड मस्ट ऑलवेज बी ऑन द टॉप। जो सैफ्रॉन बैंड होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। द नेशनल फ्लैग मस्ट बी फ्लो ओनली फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। और जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो सूर्य उगने के बाद और सूर्य डूबने से पहले तक ही होता है। द नेशनल फ्लैग मस्ट नॉट बी कीप ऑन द ग्राउंड। कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को नीचे नहीं रखना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए धरती पर। द नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी कैरी इन फ्रंट ऑफ ए प्रोसेशन। और हमें राष्ट्रीय ध्वज को एक प्रक्रिया में ही कैरी करना चाहिए। द नेशनल फ्लैग मस्ट बी कैरी ऑन द राइट शोल्डर। और राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा राइट शोल्डर की तरफ ही कैरी करना चाहिए। अ डर्टी और टोन फ्लैग मस्ट नेवर बी होस्टेड। कभी भी हमें फटा हुआ और गंदा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको नहीं होस्ट करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नेशनल एम्बल के बारे में। द नेशनल एम्बल इज़ द मार्क और सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये हमारी जो इंडिया है उसकी गवर्नमेंट का एक चिन्ह है। ठीक है, कैन बी सीन ऑन गवर्नमेंट, इट कैन बी सीन ऑन गवर्नमेंट पेपर्स। ये गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं उन पर देखा जा सकता है। करेंसी नोट और जो आपके घर में नोट होते हैं उन पर भी ये राष्ट्रीय चिन्ह होता है। ठीक है, कॉइन्स एंड लेटर्स सेंड आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसेस, और कॉइन्स पर भी होता है और जो गवर्नमेंट ऑफिस से लेटर्स वगैरह आते हैं उन पर भी ये चिन्ह होता है। अवर नेशनल एम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए स्टैचू एट द टॉप ऑफ अशोका पिलर इन सारनाथ। ये जो चिन्ह है ये अशोका पिलर से लिया गया है, एक स्टैचू है वहाँ से लिया गया है जो कि अशोका पिलर है।
एक स्टैचू से लिया गया है जो कि सारनाथ में है, और ये सारनाथ ये जो जगह है ये उत्तर प्रदेश में है। द पिलर वॉज बिल्ट बाय अशोका अ ग्रेट किंग हु रूल्ड अबाउट 20,000 ईयर एगो। ये जो पिलर है ये अशोक के द्वारा बनाया गया था जो कि एक राजा था जिसने 2000 साल तक शासन किया था, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द लॉयन कैपिटल, ये क्या कहलाती है, लॉयन कैपिटल। इट हैज़ फोर लॉयंस लुकिंग इन फोर डिफरेंट डायरेक्शन, इसमें फोर लॉयंस होते हैं और ये अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इसके पीछे है, लेकिन हमें दिखाई सिर्फ तीन ही देते हैं। हाउएवर ओनली थ्री कैन बी सीन एट अ टाइम, लेकिन हमें एक ही समय पर तीन दिखाई देते हैं। एट द बेस ऑफ द लॉयन आर एनिमल्स, और जो इसका जो बेस है आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका बेस है यहाँ पर एनिमल्स है, ठीक है। अ हॉर्स एंड अ बुल, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर हॉर्स है और इधर की तरफ एक बुल है। सेपरेटेड बाय अ व्हील, और ये बीच में एक व्हील है, ठीक है, जो हमने बताया था ना अशोक चक्र है। द वर्ड सत्यमेव जयते, जो वर्ड होते हैं सत्यमेव जयते विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रिम्स आर रिटन बिलो द व्हील, यह मतलब कि जिसका मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रिम्स, सत्य ही जीत है। और ये इसके नीचे यहाँ पर ये जो व्हील आपको दिख रही है इसके यहाँ पर लिखा हुआ है। नेशनल एंथम, हम नेशनल एंथम के बारे में पढ़ेंगे जो आप डेली स्कूल में करते थे। अवर नेशनल एंथम जन गण मन वाज रिटन बाय फेमस पोइट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन है, और ये एक फेमस पोइट है, कवि है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा लिखा गया है। इट इज़ अ सॉन्ग इन द प्रेस ऑफ अवर बिलव्ड मदरलैंड, जो हमारी मातृभूमि के प्यार को दर्शाता है। इट स्पीक्स ऑफ द डाइवर्सिटी एंड वननेस ऑफ अवर कंट्री, और इट स्पीक ऑफ द डाइवर्सिटी, और यह विभिन्नता और एकता का प्रतीक है, हमारे देश की विभिन्नता और एकता का प्रतीक है। वी मस्ट शो अवर रिस्पेक्ट ऑफ अवर नेशनल एंथम एंड फॉलो द गिवन रूल्स, हमें हमेशा अपने जो नेशनल एंथम है राष्ट्रीय गान उसके हमेशा रिस्पेक्ट करने चाहिए इन रूल्स को फॉलो करते हुए। देखते हैं रूल्स कौन कौन से हैं। वी मस्ट लर्न अवर नेशनल एंथम एंड सिंग इट करेक्टली, हमें हमारा राष्ट्रीय गान याद होना चाहिए और हमें इसको जब गाना है तो सही तरीके से करेक्टली गाना है, ठीक है। वैन वी सिंग इट और हियर इट बींग संग वी मस्ट स्टैंड एन अटेंशन पोजिशन, जब भी हम इसे सुने या गाएं तो हमें हमेशा अटेंशन पोजिशन में खड़े रहना है। अब हम पढ़ेंगे नेशनल एनिमल के बारे में। अवर नेशनल एनिमल इज रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो हमारा है रॉयल बंगाल का टाइगर। इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल विच रिप्रेजेंट द ग्रेस स्ट्रेंथ एंड पावर, ये एक बहुत ही इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल विच रिप्रेजेंट द ग्रेस स्ट्रेंथ एंड पावर, एक बहुत ही ताकतवर एनिमल होता है जो कि ताकत स्ट्रेंथ और पावर को दर्शाता है। द गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री, हमारी सरकार ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ताकि टाइगर्स को बचाया जा सके। अब हम पढ़ेंगे नेशनल बर्ड्स के बारे में। अवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक, हमारे राष्ट्रीय पक्षी है पीकॉक मोर। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। विद लॉन्ग ब्लू नेक एंड अ टेल ऑफ कलरफुल फैदर, जिसकी एक लंबी सी नेक होती है और एक अ टैल ऑफ कलरफुल फैदर, जिसके पंखों कलरफुल फैदर्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस, ये हमारी ये एक सुंदरता का प्रतीक है। नेशनल फ्लावर, अवर नेशनल फ्लावर इज लोटस, हमारा राष्ट्रीय जो फूल है वो है लोटस। इट हैज़ ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स एंड ब्राइट पेटल्स दैट ग्रो इन मडी पॉन्ड्स एंड लेक्स, इसकी जो वो होती है लीव्स वो बहुत ही फ्लोटिंग होती है एंड ब्राइट पेटल्स, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं पेटल्स वो ब्राइट कलर की होती हैं। दैट ग्रो इन मडी, जो कि कीचड़ में उगता है, पॉन्ड्स एंड लेक्स, जो कि कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड्स और लेक्स में। इट रिप्रेजेंट ट्रूथ नॉलेज एंड वेल्थ, किस चीज़ को दर्शाता है, ट्रूथ मतलब सत्य, नॉलेज मतलब ज्ञान, और वेल्थ मतलब स्वास्थ्य है।
आवर नेशनल सिम्बल्स रिप्रेजेंट द कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ आवर कंट्री. जो हमारे नेशनल सिम्बल्स हैं, राष्ट्रीय चिन्ह, वो किस चीज़ को दर्शाते हैं? हमारी संस्कृति को, हमारे मूल्यों को. ठीक है, हमारे देश की संस्कृति और मूल्यों को. दे डिप दैट वी आर वन. और ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? कि हम एक हैं. सो क्लास, आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, और जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स ले लीजिए ताकि आप अपना काम आगे तक कर सकें.